वालमु अन्न फीकुम रसूलल्लाह, और खूब जान लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमाए। तो सहाबा किराम को ये मकाम नसीब हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस अपने वजूद मसूद के साथ उनके दरमियान तशरीफ़ फरमा, और सहाबा को ये शर्फ़ नसीब हुआ कि उन्होंने उस मजलिस में सांस लिया जिसकी फ़िज़ा हुजूर अलैहिस्सलाम के अनफास कुदसिया से मुअत्तर थी। तो फरमाया, जान लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इसका माना क्या होगा? वालमु अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, तो जान लो अल्लाह के रसूल तुम्हारे दिलों में मौजूद। तो हर साहिब ईमान के दिल में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मौजूद। इसलिए इकबाल ने इसी शेर से इस्तिफादा किया, दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरू माँ ज़नाम मुस्तफ़ा अस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के मेरा दिल हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का मकाम है और हमारी इज़्ज़त और हमारी आबरू वो हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक से है।